मुबीन एजू एंड वीला यूट्यूब चैनल के दोस्तों, नए और पुराने दोस्तों, आपको खुशामदीद। आज की हम इस वीडियो के जरिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स की उर्दू मीडियम में तदरीस शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काबिश पसंद आएगी। आज हम इसके 9th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर, जो साइंस का मैथ है, यूनिट नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक जो है वो है कॉलम और कॉलमों का मकता। तो इस सिलसिले में एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दर्जन कॉलमों का मर्तबा बताइए। मर्तबा या ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है मैट्रिसेस का। तो पहला कॉलम जो है हमारे पास वो है ए इज इक्वल टू 2, 3, -5, 6। तो ये हमारे पास कॉलम है जिसमें चार इसके अरकान हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मर्तबा निकालने के लिए देखेंगे कि इसमें कितारे कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। तो इसमें ए में कितारों की तादाद 2 है। कितारे किनको कहते हैं कि दाएं बाएं वाली उफकी या हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, इनको कितारे कहा जाता है। और जो वर्टिकल या ऊपर नीचे वाली लाइंस हैं इनको कॉलम कहा जाता है। तो ए में कितारों की तादाद 2, ए में कॉलमों की तादाद 2। तो इस तरह ए का मर्तबा हो गया 2/2। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है बी इज इक्वल टू 2, 0, 3, 5। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह की शेप है। तो इसमें भी कितारों की तादाद 2 है, कॉलमों की तादाद 2 है, लिहाजा बी का मरतबा हुआ 2/2। आगे सी पार्ट है, इसमें 2 और 4 दो एलिमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि कितारों की तादाद 1 है, कॉलमों की तादाद जो है वो 2 है। इस तरह से सी का मरतबा हो गया 1/2। डी पार्ट में हमारे पास है 4, 0, 6 एलिमेंट्स। और इसमें डी में कितारों की तादाद जैसे आप देख रहे हैं कि दाएं बाएं वाली 3 है और डी में कॉलमों की तादाद 1 है, लिहाजा डी का मर्तबा हो गया 3/1। नेक्स्ट ई पार्ट है, ई पार्ट में आप देखें कि कितारों की तादाद 3 है, कॉलमों की तादाद 2 है, लिहाजा ई का मर्तबा 3/2। एफ में आप देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है हमारे पास 2, इसमें कितारों की तादाद 1 और कॉलमों की तादाद 1, लिहाजा एफ का मरतबा 1/1। जी हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0, 3, 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और जी में कितारों की तादाद 3 और कॉलमों की तादाद भी 3 है, लिहाजा जी का मरतबा हो गया 3/3 या 3/3। एच जो है हमारे पास, इसमें कॉलमों की तादाद से पहले हम कितारों की तादाद देखेंगे। कितारों की तादाद 2 है, कॉलमों की तादाद 3 है, लिहाजा इसका मर्तबा 2/3। इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब आप इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 को शुरू करेंगे, जो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल मुबीन एजू एंड वी लॉग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उनके मुतल्लिका सॉल्यूशन मिल सके। और हमारी फ्री ऑनलाइन ट्यूशनिंग और फीडबैक के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300-6490-480। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है ए बी सी और डी जो है इसकी आपने कीमतें मालूम करनी है जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। तो इसमें बाएं तरफ आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c-1, 4d-6, और राइट साइड पे है 0, -7, 3, 2d। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मुकाबला अरकीन हैं उनको हम बराबर रखेंगे। यानी ए प्लस सी इक्वल आ गया 0 के, ए प्लस 2b आ गया -7 के, c-1 आ गया 3 के, 4d-6 आ गया 2d के। अब हम इनमें से एक एक मसावात लेके उसमें से कीमतें निकालेंगे। सबसे पहले हम मसावात नंबर 2 जो है उससे मसावात नंबर 3 से सॉरी बल्कि शुरू करने लगे हैं, क्योंकि इसमें एक ही अननोन है, एक ही जो कांस्टेंट है हमारे पास सी वो मौजूद है। तो उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो c-1 इज इक्वल टू 3, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो गया, तो इस तरह सी की कीमत आ गई 4। अब हम मसावात 1 जो है वो लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 अननोन है ए और सी, लेकिन हम सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके हैं इसलिए हम आसानी से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो माइनस सी, ए इज इक्वल टू माइनस सी, और इस तरह ए इक्वल आ गया माइनस फोर के। नेक्स्ट अब हम मसावाद नंबर टू ले रहे हैं, इसमें ए और बी है और ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो हम उसमें दर्ज करके तो हम जो है वो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए प्लस टू बी माइनस सेवन के इक्वल, तो माइनस फोर यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, टू बी जो इक्वल आ गया माइनस सेवन प्लस फोर के, तो टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। इस तरीके से बी इक्वल आ गया माइनस थ्री ओवर टू के, यानी माइनस वन पॉइंट फाइव। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन मसावाद नंबर चार है और उसमें सिर्फ डी मौजूद है, तो हम आसानी से उसमें से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, फोर डी माइनस टू डी इज इक्वल टू सिक्स। इस तरीके से टू डी जो है सिक्स के इक्वल आ गया और डी जो है सिक्स ओवर टू, ये टू जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू थ्री। इस तरीके से ये हमारे पास ए बी सी और डी चारों की वैल्यूज निकल आई हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी इस लिहाज से एम क्वेश्चन के लिहाज से मुकम्मल हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगली एक्सरसाइज जो है वो आपकी लेके आएंगे, तो उस वक्त तक आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुबीन एजुकेट वीलॉग को इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।